अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हमारे पास तकरीबन 10 एक चीज़ें हैं। सबसे पहले उनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसके बाद हम उनकी प्राइस रेंज की बात कर लेंगे, मतलब कि एक रफ़ी आइडिया दे दूंगा, मतलब कि कहाँ से प्राइस शुरू हो रही है, कितनी प्राइस से, लोएस्ट प्राइस क्या और हाईएस्ट प्राइस क्या। अगर आप लोगों का कोई भी बजट है तो आप इस बजट में रह कर अपनी सेकेंड हैंड कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, मतलब जो इस वीडियो में चीज़ें मौजूद हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग भाई के चैनल पर न्यू हैं तो चैनल करें सब्सक्राइब, साथ में ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलता रहे। यहाँ पर हम बहुत सारी सेकेंड हैंड फर्नीचर पर वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। आप सबसे पहले चीज़ें सुन लो ताकि आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। कोई भी चीज़ चाहिए मैं आप लोगों को तरीकाकार भी बता दूंगा किस तरह परचेस करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर नए हैं जिनको पता ही नहीं है कि चीज़ को कैसे परचेस करना है, उनके बजट में चीज़ हो, उनके मतलब के पास हो, परचेज़ भी कर सकते हैं इजीली, फिर भी उसको परचेज ना कर पाए तो एक किस वजह से उनको पता ही नहीं है कि चीज़ को कैसे परचेज करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चीज़ें बता दूँ, तो आज की वीडियो में हमारे पास तकरीबन 3 सोफ़ा सेट हैं, ठीक है, 3 सोफ़ा सेट हैं, 3 बेड हैं, ठीक है, डबल बेड हैं, हाँ डबल बेड हैं, 3, 6 हो गई। उसके बाद हमारे पास एक सेंटर टेबल है, एक बड़ा सेंटर टेबल, काफ़ी बड़ा सेंटर टेबल है। उसके बाद हमारे पास एक स्विंग झूला है, ये हो गई तकरीबन 8 चीज़ें। उसके बाद हमारे पास एक रोलिंग चेयर है जो कि कंप्यूटर स्टडी टेबल किस किसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। और देन हमारे पास एक है स्विंग झूला, एग शेप झूला जिसे कहते हैं आप, वो आज की वीडियो में मौजूद है। लगता है मैंने कहीं मैं वीडियो मिस कर गया। 3 बेड हो गए, 3 सोफ़ा सेट हो गए, 6 एक स्विंग झूला हो गया, 7 एक हो गया रोलिंग चेयर, 8, और उसके बाद एक हो गया सेंटर टेबल, 9, और एक और चीज़ है वो मेरे माइंड में नहीं है क्या है, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगी। तो प्राइस रेंज की बात करें तो लगभग आपको प्राइस रेंज मिलती है 8,800 से लेके और 22,000 रुपये तक, ठीक है, हाँ लगभग 22 से 1,000 रुपये तक फाइनल प्राइस है। अब जो भी चीज़ है वो उसकी प्राइस जो है वो फाइनल नहीं है, आप लोग प्राइस रेंज की बात कर सकते हो, मतलब कि 8,800 से शुरू हो रही है प्राइस और 22,000 रुपये तक जाएगी। अब 22,000 वाली चीज़ आप 15,000 रुपये तक भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि वो सेकंड हैंड है, तो आपने उसकी जो प्राइस है वो अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं, जैसे अगले की भी मर्ज़ी होगी, वो जितने की भी मतलब के देना चाहेगा। तो मोस्टली आपको पता है 22,000 वाली चीज़ आपको 20,000 रुपये में मिलेगी, क्योंकि एक बंदे का माइंड सेट होता है कि वो कितने की चीज़, मतलब कि 2,000 ऊपर अगर रख के लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, कि ताकि वो 20 की अपनी चीज़ को सेल कर सके। पर आपकी कोशिश होनी चाहिए कम से कम प्राइस करवाने की, अगर उसने 22 की लगाई तो कम से कम आप 18 तक तो उसको परचेज करने की कोशिश करें। तो आप लोगों को चीज़ें पता लग गई, कोई भी चीज़ चाहिए सिंपल तरीके का आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने उसका सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लेना है उस चीज़ का, वो सोफ़ा हो सकता है, वो बेड हो सकता है, वो चेयर हो सकती है, वो टेबल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो इस वीडियो में है, आपने उस के साथ एक नंबर आ रहा होगा उस पर व्हाट्सअप कर देना है, और देन आपको ओनर का नंबर हम दे देंगे। जब आपको ओनर का नंबर मिल जाएगा आप डायरेक्ट उसके साथ रब्ता कर लीजिए। कोशिश करें कि अगर आप 1 और 2 दिन के अंदर अंदर ये वीडियो देख रहे हैं तब आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो या तो चीज़ सेल हो गई होगी या हम अपने तरफ से ऐड को डिलीट कर देंगे, मतलब कि यूट्यूब पे तो चलेगा, उसके बाद जो हमारे डाटा में है उधर से हम डिलीट कर देते हैं ऐड को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का डाटा आना होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो का, मतलब कि 2 दिन का डाटा हमारे पास सेव होता है। अगर आप एक वीडियो को 3 दिन बाद में भी चांस होता है, अगर आप वीडियो को 3 दिन बाद देख रहे हैं हमारे पास उसका चीज़ मतलब कि नंबर वगैरह उसकी डिटेल मौजूद हो, तो मोस्टली 2 दिन के हमारे पास मौजूद होती है, 2 दिन पहले के कोई भी चीज़ की, बशर्त ये है कि वो चीज़ सेल ना हुई हो बस। अब आप आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों को चीज़ कैसे परचेस करनी है, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप करना है, देन आपको ओनर का नंबर मिल जाएगा, बशर्त वो चीज़ सेल ना हुई हो और आप लेट ना हो, मतलब कि 2 दिन से आप ज़्यादा लेट ना हो, 3 दिन भी हो सकता है, ज़्यादातर कोशिश करें 2 दिन के अंदर अंदर ही अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप उसके हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके उसके ओनर का नंबर हासिल कर लेना। तो वीडियो को मस्ट लाइक शेयर करना है यार आप लोगों ने, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक लाजमी करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा यार, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सोफ़ा सेट की। ब्राउन कलर में आपको सोफ़ा सेट देखने को मिल जाता है। इस सोफ़ा सेट के साथ 2 चीज़ें ऑलरेडी बीच में और ऐड हैं, मतलब कि वो मैंने अपनी वैसे वीडियो में नहीं आप लोगों को बताया, पर इस सोफ़ा सेट के साथ है।
तो ये एक ही घर में आपको मतलब कि चीज़ें मिल जाएंगी, इसलिए मैंने ज़्यादातर गिना नहीं। अगर किसी को भी चाहिए तो वो परचेज़ कर सकता है, ठीक है। सेपरेट मेरे ख्याल से अब वैक्यूम क्लीनर है एक, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले ब्राउन सोफ़ा सेट आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कंडीशन की बात करें तो 7x10 कंडीशन है, ठीक है। अरे देखिए, रफली एक आपको एक टेबल देखने को, स्टैंडर्ड टेबल, जिसके साथ मिल जाता है, ठीक है। इसके साथ ग्लास नहीं है और एक वैक्यूम क्लीनर है। अब यहाँ पे सोफ़ा सेट की जो प्राइस है 3 to 1, 1 to 3 है, ठीक है। तीनों मतलब के सोफ़ा सेट 6 सीटर आप कह सकते हो, और साथ में जो है ना फ्री आपको मिल जाता है टेबल उसके साथ, ठीक है। मिरर रिपेयर है रिक्वायर्ड, मतलब के जो के मिरर है वो मैंने आप लोगों को बताया, शीशा टेबल का वो नहीं है साथ, ठीक है। 2 सेंटर टेबल है, एक वैक्यूम क्लीनर है। अब आप लोगों ने इसके साथ 22,000 रुपये टोटल इसका मांगा हुआ है, ठीक है। अब वैक्यूम क्लीनर का अब आइडिया नहीं है कि वैक्यूम क्लीनर इसके अंदर ही है 22,000 के, या वो अलग है, पर टेबल जो है वो आई थिंक के इसके अंदर ही इंक्लूड है। सोफ़ा सेट के 6 सीटर सोफ़ा सेट है, दो आपको टेबल देखने को मिल जाते हैं, उनके साथ शीशा जो है वो नहीं अवेलेबल, मतलब कि टूट गया या कहीं पड़ा नहीं हुआ या है ही नहीं उनके पास कोई भी। अदरवाइज आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों को कितनी प्राइस समझ में आती है। दो टेबल एक 6 सीटर सोफ़ा सेट के साथ, अगर कोशिश करें, अगर आप मेरे से नंबर ले रहे हैं तो वैक्यूम क्लीनर का कंफर्म कर लें कि 22,000 रुपये में क्या हमें सेट सारी चीज़ें आप दे रहे हैं, या वैक्यूम क्लीनर की जो प्राइस है वो अलग है, ठीक है। अब आप लोगों को तरीका क्या क्या होना चाहिए, मतलब कि अगर एक बंदा सोच रहा होगा यार कि इसने पूछी है प्राइस तो शायद प्राइस मैंने कम लगाई है तो इसीलिए ये परेशान हो रहा है कि सारी चीज़ें इतने में, तो इसका तरीका अगर सिंपल यही है कि आप लोगों ने जब मेरे से नंबर लेना है और जब फ़ोन करना है, वैक्यूम क्लीनर टेबल वगैरह सोफ़ा सेट सबके लिए अगर बात करनी है, आप लोगों ने उसको यही कहना है कि सब चीज़ों की प्राइस क्या फाइनल हो जाएगी, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि सोफ़ा सेट की प्राइस क्या फाइनल, आप यही कहना है कि सब चीज़ों की प्राइस क्या फाइनल हो जाएगी। फिर उससे आपको आइडिया होगा कि अगर वो 20,000 रुपया बोलेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें इसने 22,000 रुपये में ही लगाई हुई हैं। अब देन जब वो 20,000 बोलेगा फिर आप उसके साथ मज़ीद प्राइस रेंज की बात कर लीजिएगा। तो इस टाइम लाहौर में मौजूद है भाई, लाहौर वाले परचेज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एक बेडरूम सेट, बात कर लेते हैं, जिसके साथ आपको बेड, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल और डायमंड का मैट्रेस देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कंडीशन की बात करें तो 9x10 कंडीशन है, बिल्कुल रफली यूज़ हुआ हुआ है, मतलब कि नॉर्मल सा यूज़ हुआ हुआ है, कंडीशन वाइज बहुत अच्छा है। यहाँ पे पूरा डिज़ाइन आपको मतलब कि देखने को मिल जाता है, ये डिज़ाइन है, ठीक है। ड्रेसिंग है, साइड टेबल है, साथ में बेड है आपको किंग साइज़ का, और एक मैट्रेस मिल जाता है आपको डायमंड का, ठीक है। सारे की बात करें तो 33 मतलब कि 33,000 रुपये में ये दे रहे हैं, मैट्रेस, बेड, साइड टेबल एंड ड्रेसिंग टेबल, ये भी लाहौर में मौजूद है। प्राइस रेंज थोड़ी सी मुनासिब हो जाएगी, आप लोग प्राइस रेंज की बात कर लीजिएगा, नंबर आप लोगों को मेरे से मिल जाएगा, लाहौर वाले परचेज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है स्विंग झूला, जो कि एक शेप में आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, न्यू झूला प्राइस तकरीबन लगभग 10, 10.5, 11 हज़ार रुपये में ये न्यू में भी देखने को मिल जाता है, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मतलब कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वगैरह में 10,000 रुपये की रेंज में मिल जाता है, ठीक है। न्यू में न्यू 10.5, 10 हज़ार रुपये की कन्फर्म रेंज में मिल जाता है। अब इसने 8,000 रुपये लगाया और फुल एंड फाइनल प्राइस बोली हुई है, पर यह है कि मैं आप लोगों को बता दूँ, वाह पंजाब में मौजूद है, फाइनल प्राइस 8,000 रुपये में परचेज करने का कोई तुक नहीं है, मतलब कि आप 8,000 रुपये में ही परचेज ना कर लीजिएगा, कुछ कम करवा लीजिएगा, बेशक वो 1,000 हो या बेशक वो 500 हो, ताकि आप लोगों का कुछ ना कुछ जो किराया है वो निकल जाए, ठीक है। इसी में तो 2,000 रुपये वैसे ही आपको, 2-3 हज़ार रुपये ऑलरेडी आपको ऐसे ही बच जाएगा, मतलब कि न्यू परचेज करेंगे तो आपको 10-12 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलेगा। अगर आप इसको परचेज कर रहे हैं तो इसको भी आप 7-7.5 हज़ार रुपये तक परचेज करने की कोशिश करें, वह पंजाब में मौजूद है तो वह पंजाब वाले परचेज कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती है रॉलिंग चेयर, जो कि ज़बरदस्त कंडीशन में है, ठीक है, और ज़बरदस्त ये चेयर बहुत अच्छी है, जाते मुझे खुद बहुत पसंद है ये चेयर, कंफर्टेबल भाई, इंतहा की कंफर्टेबल चेयर है ये, ठीक है। किसी किस्म का कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता, सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप गौर करेंगे तो, ठीक है। आप नीचे इस 4 टायर होते हैं, एक टायर इसमें से गैप है, ठीक है, वो आपको लगवाना पड़ेगा, मतलब कि इतना मेजर इशू नहीं है, बहरहाल आपको फिर भी बताना फ़र्ज़ है, तो ये टायर इसका गैप है। बाकी आप लोग चेयर की कंडीशन देख रहे हैं, वेरी गुड, मतलब कि एक्सीलेंट कंडीशन है, ये भी लाहौर में मौजूद है, 8,800 रुपया इस चेयर का मांग रहे हैं, ठीक है। बेहतरीन, मतलब कि आपको सिर्फ ये 4
8,000 रुपये में कन्फर्म देने के लिए राज़ी हो जाएगा, 800 रुपया छोड़ देगा ऊपर वाला। अब कोशिश करो आप लोग 8,000 रुपये की वो कह रहा है तो 7-7,500 रुपये की आप परचेज़ करें, ठीक है। 500-1,000 आप चढ़वाने की उससे और मज़ीद कोशिश करें, ताकि ये छूट जाएगा तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अगर न्यू की प्राइस की रेंज की बात करूँ तो अच्छी खासी भाई इसकी प्राइस है, लगभग 15,000 को टच होती है, ठीक है। 12 से 15 हज़ार को इसकी जो चेयर की प्राइस है ना वो टच होती है मार्केट न्यू प्राइस। उसके बाद हमारे पास, अच्छा ये जो है ये भी लाहौर में मौजूद है। फिर हमारे पास आ जाता है एक सोफ़ा सेट जो कि 5 सीटर में मौजूद है और प्राइस रेंज की बता दूँ 10,000 रुपये का है, कैसे 10,000 रुपये का सेल हो रहा है। ओवरऑल कंडीशन की बात करें तो 8x7x10 कह सकते हो, 8x10 भी नहीं कह सकते, मतलब कि जो वन सीटर है उसकी जो आप कह सकते हो ना हालत वैसे ठीक है, सीटिंग वगैरह हर चीज़ की है। कपड़ा जो है वो थोड़ा सा गंदा हुआ हुआ है आप कह सकते हो ना, गंदा वॉश मतलब कि अगर हो जाए तो बेहतरीन हो सकता है ये, मतलब कि वन सीटर एक ही है, बाकी एक वन सीटर काफ़ी हद तक साफ़ है, 3 सीटर जो है वो तो मतलब कि ऑलमोस्ट ही साफ़ है, इतनी बुरी कंडीशन नहीं है। 1 सीटर जो है ना, 2 1 सीटर उनसे 3 सीटर की कंडीशन अच्छी है। अब 3 सीटर एक 1 1 सीटर के 2 हैं, अगर ये वॉश होते हैं तो ज़बरदस्त हो जाते हैं, ठीक है। इनका बेहतरीन हाल एक वॉश है, दूसरा इन पे कपड़ा वगैरह डालना है, ठीक है। 2 हाल हैं तो आप इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। बल 10,000 रुपये मांग रहे हैं, कराची में मौजूद है तो इसको कराची वाले भाई परचेज़ कर सकते हैं, लगभग 8-7.5-8,000 रुपये तक कोशिश करो परचेज़ करने की, ताकि आपका अगर कुछ खर्चा ऊपर लग भी जाए तो आपको इतना फील अप ना हो। उसके बाद हमारे पास फिर आ जाता है एक सोफ़ा सेट जो कि 5 सीटर में मौजूद है और उसके साथ एक टेबल आपको देखने को मिल जाता है। टेबल मैं देख लूँ एक ही है या 2 टेबल हैं, नहीं एक ही टेबल आपको देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में आपको सोफ़ा सेट भी देखने को मिल रहा है और टेबल भी देखने को मिल रहा है। टेबल में आपको ग्लास मिल जाता है ऊपर देखने के लिए, ठीक है। कलर कम्बिनेशन सोफ़ा सेट का भी काफ़ी ज़बरदस्त है, वाइट और ब्राउन कलर का आ रहा है, मतलब कि आप कह सकते हो क्रीमी कलर है ये, वो प्योर वाइट नहीं है, ठीक है। साथ प्योर वाइट कह सकते हैं, क्रीमी कंफर्म नहीं मुझे हो रहा कि दोनों में से कौन सा है, बट ब्राउन कलर के कम्बिनेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। कंडीशन वाइज 10x10 है सोफ़ा सेट भी, देन आपको टेबल भी साथ देखने को मिल रहा है, तो 22,000 रुपया इसका मांगा हुआ है, ठीक है। हाँ 22,000 मांगा हुआ है विद टेबल के साथ, ठीक है, विदाउट एनी फॉल्ट डैमेज ब्राउन कलर एंड स्किन कलर। हाँ देखा स्किन कलर है, वाइट नहीं है, ठीक है। ब्राउन और स्किन कलर आपको देखने को मिल जाता है, 3 मंथ तकरीबन इन्होंने यूज़ किया हुआ है, हैदराबाद सिंध में मौजूद है। 22,000 मांग रहे हैं विद टेबल के साथ, 5 सीटर सोफ़ा सेट और टेबल, 20,000 रुपये का डेफिनेटली उनका जेन होगा देने का आपको टेबल के साथ, ठीक है। कोशिश करो कि 18,000 रुपये तक ले आओ, बस ज़्यादा कम नहीं करूँगा, क्योंकि आपको एक 5,000 रुपये का सीधा सीधा टेबल देखने को मिलता है साथ, और 13,000 रुपये का सोफ़ा सेट, ये जो कंडीशन के हवाले से है ना ज़बरदस्त है, ठीक है। सिर्फ 2,000 कोशिश करो छुड़वाने की, 2,000 छोड़ दे तो बेस्ट हो सकता है। अगर नहीं छोड़ता, फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं छोड़ता, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं भी यही कहूँगा कि परचेज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। 20,000 रुपये में आपको टेबल भी मिल रहा है और एक आपको सोफ़ा सेट मिल रहा है, एक अच्छा मतलब कि कलर कम्बिनेशन टेबल के साथ उन्होंने बना के सेट रखा हुआ है। अगर आप लोगों को बजट, अगर आप लोगों का इतना है 20,000 रुपये तक, तो आप परचेज़ कर सकते हो, इतना मसला नहीं है। हाँ अगर 2,000 कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हैदराबाद सिंध में मौजूद है, हैदराबाद वाले परचेज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है एक बेड जिसके साथ 2 साइड टेबल आपको देखने को मिल जाते हैं, इसके साथ मैट्रेस मतलब ड्रेसिंग टेबल कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, सिर्फ बेड है और आपको 2 साइड टेबल देखने को मिल जाते हैं। 14,000 रुपये मांगा हुआ है, लामा इकबाल टाउन लाहौर में मौजूद है, तो लाहौर वाले भाई इसको परचेज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है एक बेड एक मैट्रेस, ठीक है, बेड और मैट्रेस इसके साथ साइड टेबल ड्रेसिंग टेबल और कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। जो मैट्रेस है वो मेरे ख्याल से मास्टर का है, हाँ मास्टर का आपको मैट्रेस देखने को मिल जाता है, और मैट्रेस ये नहीं बता सकता कितने इंच का है, तकरीबन 1 साल मैट्रेस यूज़ किया गया, और डबल बेड है साथ, बेड भी अच्छा है और मैट्रेस तो बहुत ही अच्छा है ना, बेड आप कह सकते हो नॉर्मल है, ठीक है, जिसमें लकड़ी मतलब कि बहुत कम ही यूज़ की जाती है, आपके बेड का डिज़ाइन अच्छा है पर मैट्रेस आपको एक ज़बरदस्त ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। दोनों चीज़ों की प्राइस रेंज की बात करें तो 17,000 रुपये भाई मांगा हुआ है, अब 15,000 रुपये का उसका कन्फर्म देने का जेन होगा, पर कोशिश फिर वही बात आ जाती है कि 15,000 उसका तो माइंड बना हुआ है
ऑलरेडी इसने अपना माइंड बनाया हुआ है, पर आपने उसके माइंड को तोड़ना है। वो जितना मर्जी तोड़ लो, 1,000 तोड़ लो, 2,000 तोड़ लो, 500 तोड़ लो, 1,500 तोड़ लो, वो आप पे डिपेंड करता है आप बात किस तरह करते हैं और प्राइस किस तरह कम करवाते हैं। तो ये इस टाइम कराची में मौजूद है, कराची वाले परचेज़ कर सकते हैं। देन है हमारे पास सेंटर टेबल। सेंटर टेबल काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिल जाता है, प्राइस रेंज के हवाले से बहुत मुनासिब है। 6,000 रुपये में भैया सेल कर रहा है, ठीक है, 5,000 रुपये में कन्फर्म दे देगा। और मैं इसमें बहस करने वाली मतलब की कोई बात नहीं है, जितना बड़ा सेंटर टेबल है ना, 5,000 रुपये में मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त है। अगर किसी का लाहौर में चाहिए तो वो इसको परचेज़ कर सकते हैं बिना, यार अगर सोचे समझे, अगर मैं कहूँ ना आपको इसको परचेज़ कर लेना चाहिए 5,000 रुपये में। 6,000 लगाया हुआ है, 5,000 रुपये में दे देगा। ये आपको अभी देखने में, तस्वीर में देखने में मुझे बड़ा लग रहा है, जब आप जाके देखोगे ये तो आपको और बड़ा लगेगा। हमेशा सेंटर टेबल तस्वीर में देखने में छोटा लगता है, ठीक है, और जाके देखने पे वो बड़ा मतलब कि आपको देखने को मिलेगा। और ये तस्वीर में भी देखने में बड़ा है, और जाके तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ एक निकल आएगी। 5,000 रुपये में लाहौर में मौजूद है, लाहौर वाले परचेज़ कर सकते हैं। जो चीज़ मैं भूल रहा था वो था हमारा टेबल, जो कि स्टडी टेबल या कंप्यूटर टेबल आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ये आपको देखने को मिल जाता है। कंडीशन ओवरऑल बात करें तो 8x10 है, बिल्कुल साफ़ सुथरा टेबल है, किसी किस्म का कोई भी आपको देखने को प्रॉब्लम नहीं मिलता। फ्रंट और बैक से दोनों से अच्छी कंडीशन में, डोर आपको वर्किंग में मिल जाते हैं, लॉक आपको ओके मिल जाता है, एक ही लॉक है वो आपको ओके मिल जाता है, ठीक है। टेबल वैसे कलर वाइज भी बेहतरीन है। प्राइस रेंज की बात करें तो 6,000 रुपया इसका भी महंगा हुआ है। बाबडा टाउन लाहौर में मौजूद है, ये भी लाहौर वाले परचेस कर सकते हैं। प्राइस थोड़ी सी लेस आई थिंक हो जाएगी, तकरीबन 6 महंगा हुआ तो 5 का दे देगा, 5 से कुछ नीचे कम कर लोगे तो 4.5-4 तक आ जाओ, ताकि थोड़ा सा आपका ना जो खर्चा वगैरह है। मेरी कोशिश होती है एक अगले का माइंड बना हुआ था उसको तोड़ना, तोड़ के मतलब कि अगर उसने 6,000 रुपये में इसने लगाया तो 5,000 रुपये का तो इसका अपना जेन होगा, पर उस 5,000 से अगर आप उसको तोड़ो 500 या 1,000, वो तोड़ना आपका किराया बनता है, ठीक है। आप अगर 1,000 तोड़ते हो तो यार 1,000 रुपये आपका किराया लग जाएगा, 500 तोड़ोगे तो 500 जेब से जाएगा, 500 आपका वहाँ से निकल आएगा। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर आप किस तरीके से बात करते हो। तो आज की वीडियो में थी ये चीज़ें, वीडियो अच्छा लगा मस्त लाइक शेयर, चैनल पर नहीं है चैनल पर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, भाई को लाजमी दुआओं में याद रखें, खुदा हाफिज़।